या के नाबद हुआ या के नास्ताइन। अच्छा मेरे पाकिस्तानियों, आज से एक साल पहले मैं अपनी डायरी उठा के तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से घर गया था और उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। साजिश कुछ साल पहले से शुरू हुई। मैं एक सरबरा को मिल रहा था मिडल ईस्ट से, तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें पता है कि तुम्हें हटाने की कोशिश कर रही है और जो तुम्हारा आर्मी चीफ है वो तुम्हारे से खुश नहीं है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं तो समझा मैं एक पेज पे हैं और हमें तो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो मैंने उसको कहा तुम क्या बातें कर रहे हो, मुझे कि कॉन्फ्रेंस पे मिला। तो जब हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की, जब हमारी गवर्नमेंट गई और मैंने फिर पीछे सारा जायजा लिया कि क्या क्या इवेंट्स हुए और किस किस तरह की साजिश हुई और कौन कौन इसमें मुलव्वस था, लेकिन एक किरदार जो सबसे जो इसका मास्टरमाइंड था, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी समझ आ गई किधर किधर धोखे हुए हमारे से, किधर किधर हमें लाल बत्ती के पीछे लगाया गया, किधर किधर झूठ बोले गए। और सारी कोशिश ये थी, पहले से प्लान बना हुआ था कि मुझे रिप्लेस करना था शहबाज शरीफ से। शहबाज शरीफ से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी जनरल बाजवा की और उनके केसेस खत्म करवाए, उसको सजा मिलने वाली थी एफआईए केस में 16 अरब का केस और फिर नैब का 8 अरब का वो जो फेक अकाउंट्स का केस था, तो सजा होने वाली थी। तो कैसे फिर उसको पूरा बचाया भी गया और फिर उसको लाया भी गया। और फिर जो हम समझते थे कि अमेरिका से साजिश शुरू हुई है, शुरू वहां से नहीं हुई, शुरू इधर से हुई थी। इन्होंने हुसैन अकानी को हमारे गवर्नमेंट ने हायर करवाया गया, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया और उसने कहा कि कैसे जनरल बाजवा कितने अच्छे हैं और प्रो अमेरिक है और इमरान खान एंटी अमेरिक है, और फिर उधर से वो साइफर आया। तो ये खैर हमें बाद में सारी चीजें सामने आ गई। अब तो वाजह है कि ये पहले से साजिश थी और इसके अंदर फिर बाकी सारे मिलते गए, ये सारे पीडीएम के लोग ये सब शामिल थे बाद में। आज का हमारा एक हमने व्हाइट पेपर निकाला है, इसका मकसद सिर्फ ये है बताने के लिए कि एक साल में हुआ क्या पाकिस्तान से, पाकिस्तान एक साल पहले खड़ा किधर था और आज किधर पहुंच गया। तो मैं ये चाहता था कि आज अपनी कौम के सामने मोटी मोटी चीजें रखूं कि एक बंद कमरे में थोड़े से लोगों ने मिलकर फैसला करके आज जिधर पाकिस्तान को पहुंचा दिया है, तो कौम को कम से कम पता चले कि कौम से हुआ क्या है। सबसे पहले जैसे ही एक और पाकिस्तान खड़ा किधर, साल पहले किधर खड़ा था, एक तो इकोनॉमिक सर्वे में आप सारी चीजें देख सकते हैं जो पाकिस्तान की जो हर साल मईशत के ऊपर जो एक सर्वे छपती है उसमें ये सब चीजें आ जाएंगी। लेकिन जो आपने जो मोटी मोटी चीजें ये हैं कि एक इकॉनमी जो बैंकरप्ट थी 2018 में, सबसे बड़ा बैरूनी खसारा था करंट अकाउंट डेफिसिट तकरीबन 20 अरब डॉलर का, ये पाकिस्तान की तारीख का हमें सबसे बड़ा खसारा मिला था और रिजर्व्स थे कोई 8 अरब डॉलर के रह गए, तो रुपए पे प्रेशर था। उस मुश्किल वक्त में गवर्नमेंट मिली, पहले साल स्टेबलाइज की, दूसरे 2 साल कोरोना से हमें डील करना पड़ा। अब कोरोना, ये याद रखें कि दुनिया में जो इसने तबाही मचाई है, दुनिया की इकोनॉमीज में तबाही मचाई है, ये कभी सबके सामने है, ये आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि मनफी में चली गई ग्रोथ रेट। हिंदुस्तान 7% पे आगे बढ़ रहा था, वो मनफी में चला गया। तो पाकिस्तान ने जिस तरह कोरोना का मुकाबला किया, दुनिया ने एक्नॉलेज किया, दुनिया के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इकोनॉमिस्ट मैगजीन, हर फोरम के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में था, टॉप 3 मुल्कों में, जिन्होंने सबसे बेहतर तरीके से इतना बड़ा एक क्राइसिस था उसको संभाला। मैं ये सिर्फ सोच रहा हूं कि जो इनकी एक साल की कारकर्दगी है, अगर ये खुदा ना खास्ता होते तब तो इन्होंने क्या करना था। इन्होंने जो मुल्क से अभी किया है, सोचें अभी तो क्राइसिस तो उनको को मिला ही नहीं है, क्राइसिस तो सारे हमें मिले थे क्योंकि कोरोना का क्राइसिस हमने डील किया, इन्होंने जो बैंकरप्ट करके गए वो हमने इकोनॉमी खड़ी की। तो अगर ये वहां होते तो इन्होंने सबसे पहले तो लॉकडाउन लगा देना था, इनकी स्टेटमेंट आके बंद कर दो पाकिस्तान को, तो अगर वो बंद कर देते आगे मुश्किल हालात थे तो यहां तो लोगों ने भूखे मर जाना था। तो हमने जो स्मार्ट लॉकडाउन, उनकी तनकीद भी सुनी,
तो शुक्र करें कि ये अल्लाह ने इनको तब वहां नहीं रखा हुआ था। उसके बाद आखिरी दो साल 5.7% पे हमारी इकॉनमी ऊपर गई और 6% पे ऊपर गई। और ये याद रखें कि 17 साल में बेहतरीन पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी। हमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे, प्रॉब्लम्स क्या था कि दुनिया में कोरोना की सप्लाई साइड की रुकावट की वजह से जो ऊपर गई वो जिसको कहते हैं कमोडिटी सुपर साइकिल, एनर्जी की कीमतें ऊपर चले गई, गैस की सबसे ज्यादा, तेल की, कोयले की, सब ऊपर चले गई और उसकी वजह से सारी दुनिया के अंदर महंगाई आई। तो हम भी महंगाई से डील कर रहे थे, हमें मुसलसल इन्होंने कहा कि महंगाई में मुल्क तबाह हो गया। लेकिन याद रखें कि सबसे बड़ा जो चीज महंगाई करती है वो तेल है। तो हमारे जमाने में आखिरी साल में $110 से $115 पे तेल चला गया था, इनके दौर में अभी $65 था और अब कभी $70 होता है, $80 पे सुना अभी गया हुआ है। तो फर्क देखें कि तेल का तब कितना महंगा था, अब कितना महंगा। तो इनका तो कोई इतना बड़ा क्राइसिस नहीं था, हमने सबसे ज्यादा क्राइसिस डील किए। और उसके बावजूद जब हमारी ग्रोथ रेट थी 5.7 और 6%, ये 17 साल में पाकिस्तान की बेहतरीन ग्रोथ रेट थी। और याद रखें उससे पहले जो थी अमेरिकन डॉलर आ रहे थे वॉर ऑन टेरर में, उससे पहले जनरल जियाउल हक के, तब फिर डॉलर आ रहे थे अफगान जहाद में, उससे पहले अयूब खान की सीटो सेंटो में फिर अमेरिकन डॉलर आ रहे थे। ये अमेरिकन डॉलर आने के बगैर पाकिस्तान की ग्रोथ 5.7 और 6% थी। जो हमने तेल की कीमतें, पेट्रोल और डीजल की कीमत नीचे रखी, वो क्यों रखी थी? क्योंकि हम समझ रहे थे कि बबल है, ये थोड़ी देर के नीचे आ जाएगा, लेकिन हमारी इकोनॉमी इतना ऊंच नीच नहीं दे सकती, इसलिए हमने सब्सिडाइज क्यों, क्योंकि हमने रूस से जब मैं वहां गया, मैंने सदर पुतिन से जब मुलाकात हुई, हमने उनको बताया कि हमारे मुल्क में ये आपकी टेंशन की वजह से तभी तेल की कीमतें ऊपर चली गई थी। तो उन्होंने फिर अपना एनर्जी मिनिस्टर भेजा, हमाद अजहर से मुलाकात हुई और हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हमने जिस तरह हिंदुस्तान सस्ता तेल रूस से ले रहा था, पाकिस्तान ने भी लेना था। और बदकिस्मती से आते साथ ही आपको पता है कि साजिश शुरू हो गई, वापस आए तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गई और उसके बाद हमारी गवर्नमेंट चंद हफ्तों में चली गई। तो वो बीच में चीजें रह गई। हमारा टेररिज्म, जो इतना आजकल टेररिज्म की बात कर रहे हैं, याद रखें हम टेररिज्म से टूरिज्म पर गए थे। हमारे 3.5 साल में दहशतगर्दी देख लें और आज देख लें। और जब अमेरिका निकला अफगानिस्तान से, तो वो बेहतरीन टाइम था उस वक्त कि अफगान गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करके हम इस मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी जो थोड़ी बहुत भी थी उसके ऊपर भी काबू पा सकते थे। लेकिन कुछ नहीं किया गया, इन्होंने कोई ना, इनके पास टाइम था सोचने का, ना कुछ था, क्योंकि आए थे सिर्फ एक मकसद के लिए, अपने करप्शन केसेस खत्म करने के लिए। ना इन्होंने इकॉनमी का रोड मैप दिया, ना इनको कोई फिक्र थी कि ये जो वापस आ रहे हैं, जब तालिबान गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा वापस जाए TTP को, तो जब वो वापस आ रहे थे ना सोचा कि उनको रिहेबिलिटेट कैसे करना है, इनको तो इसकी फिक्र ही नहीं थी। ये तो पड़ गए अपने करप्शन केसेस पे आते साथ ही। पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर इन्होंने आते साथ ही अपने जनाब ECL पे जो रखे हुए थे वो खत्म किया। 60% कैबिनेट जो नई आई वो जमानत पे थी, करप्शन केसेस थे। तो इन्होंने तो सिर्फ आते साथ ही अपनी करप्शन केसेस खत्म किए और फिर असेंबली में जाके नैब का कानून पास करके 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस अपने खत्म किए। हमारे 3 सालों में नैब ने 480 अरब रुपए करप्शन का रिकवर किया था। हमारी एवरेज आ रही थी 160 अरब रुपया साल का। सबसे ज्यादा हमारे दौर में हमने नैब ने पैसे रिकवर किए थे जो करप्शन के थे। इन्होंने आते साथ ही पहले नैब को खत्म किया, नैब के ऊपर अब आदमी बिठाया, जब वो बिठाया उसने भी देखा कि मेरे से गलत काम करवा रहे हैं, उसने रिजाइन किया। यानी नैब का इदारा तबाह किया आते साथ ही, क्योंकि इनको सबको डर था नैब से, तो अमेंडमेंट भी पास की, फिर अपना आदमी रखाया, वो भी नहीं चला। उसके बाद FIA को इन्होंने तबाह किया आते साथ ही, क्योंकि शहबाज शरीफ ने फंस जाना था, वो मकसूद चपरासी और वो जो 16 अरब रुपए के करप्शन केस थे। FIA पहले राय ताहिर को लेकर आए, IG जो नहीं, राय तार पहले से था, उससे गलत काम करवाने की कोशिश की, उसने रिजाइन किया, फिर आदमी लेके आए, फिर सारी FIA को सिर्फ लगा दिया हम सब के ऊपर, हमारे ऊपर केसेस करने के लिए। FIA का इदारा खत्म किया अपने आप को बचाने के लिए 16 अरब केसेस के और अपना आदमी और विक्टिमाइजेशन के लिए। नैब, FIA गई, पार्लियामेंट खत्म हो गई, क्योंकि जब राजा रियाज बन गया ऑपोजिशन लीडर तो इसका मतलब ऑपोजिशन तो खत्म हो गई।
तो पार्लियामेंट तो चलती नहीं ऑपोजिशन के बगैर, तो वो खत्म हुई। फिर इलेक्शन कमीशन, उसको इन्होंने इस्तेमाल किया सिर्फ और सिर्फ कि किसी तरह वो इनको इलेक्शन जता दे, तोशाखाना केस कर दे इमरान खान के ऊपर, फॉरेन फंडिंग केस कर दे। अब वो फॉरेन फंडिंग केस ही खत्म हो गया, अब पता चला कि वो फॉरेन फंडिंग ही नहीं था, वो कुछ और था। अब हाईकोर्ट ने, एक जज साहब ने कहा कि जी बताएं, जो इमरान खान के ऊपर मीडिया ट्रायल कर रहे थे वो भी रह गया बीच में, अभी तोशाखाना भी खत्म होगा, वो भी पता चलेगा कि इस इलेक्शन कमीशन ने इनको खुश करने के लिए मेरे पर केस किया था, और फंस जाएंगे ये आप, क्योंकि तोशाखाना का रिकॉर्ड सारा अवेलेबल है। तो तोशाखाना का जब रिकॉर्ड अवेलेबल है, इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है, क्योंकि उसमें नवाज शरीफ और जरदारी ने फंस जाना है तोशाखाना में, और इंशाल्लाह इनकी जो गाड़ियां इन्होंने चोरी की है वो भी हम सामने लेके आएंगे। उसके बाद मीडिया, जो एक सतून होता है डेमोक्रेसी का, उसके ऊपर वारदात शुरू हुई, इमरान खान और पीटीआई का ब्लैकआउट शुरू हो गया मीडिया में। हमारे दौर पे कहते हैं कि जी मीडिया के ऊपर पाबंदी थी, जितनी आजादी हमारे दौर में मीडिया के ऊपर थी, मैं चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान की तारीख में नहीं थी। खुल मीडिया ने जिस तरह हमें अटैक किया, मेरे पे, सब पे, मेरे घर वालों पे, कभी ऐसा मीडिया का अटैक नहीं था। हनीमून पीरियड भी नहीं मिला, पहले दिन से अटैक शुरू कर दिया, और जैसे ही हमारी गवर्नमेंट गई मीडिया को टोटल कंट्रोल किया गया। खुद टेलीफोन जाया करता था नामालूम साहब से कि जनाब इमरान खान को नहीं दिखाना, उनको ओनर्स को टेलीफोन करके कहा जाता था कि इसको नहीं तुमने दिखाना। जो दो तीन चैनल्स थी वो जो दिखा रही थी उनके ऊपर आप प्रेशर डाल के उनको भी बंद करवा दिया कि आपने भी नहीं दिखाना, लाइव इमरान खान की कवरेज नहीं दिखा ली। जो सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान की है, उसके लीडर को कैसे एक डेमोक्रेसी के अंदर आप मीडिया से ब्लैकआउट करवा देते हैं, उसकी स्पीचेस नहीं दिखाने देते, और ये भी आप ये लाइव नहीं जाएगा क्योंकि उनको खौफ है कि पता नहीं वो क्या कह देगा। तो इतना खौफ है फ्रीडम ऑफ स्पीच से। और मैं आज याद कराना चाहता हूं हर वो हमारा सहाफी जो हमारे दौर में कहता था कि जी देखें यहां पाबंदियां लग रही हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि आज और कंपेयर करें। मैं कहता हूं पाकिस्तान की जमहूरियत की तारीख में कभी ऐसी पाबंदियां नहीं लगी जो आज लगी हुई है हमारे ऊपर। तो मीडिया इन्होंने कर दिया, फिर फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक, 25 मई को उससे शुरू होता है, लोगों के घरों में पुलिस घुस घुस के, पीटीआई के एमपीज लोगों के घरों में घुस के, ना चादर ना चार दीवारी, वहां जाके जो इन्होंने जिस तरह तशद्दुद किया, लोगों को उठाया, एक 11 साल के बच्चे को लेकर जा रहे हैं जेल में क्योंकि बाप नहीं था, एक घर में अटैक कर दिया उन्होंने, वो एक मेजर साहब थे, उनको क्या पता कौन आ रहा है घर में, कोई किसी के घर में रात दरवाजा तोड़ के घुसता अंदर, उसने गोली मार दी, उसने समझा कोई डाकू आ रहा है, उसको पकड़ के उसके बेटे को उन्होंने जो तशद्दुद किया पुलिस ने, जो बेटे से किया, मैं 6 महीने के बाद बेटे को मिला, उसने कहा मैं अभी भी मैं रात को सो नहीं सकता, इतना इन्होंने मेरे जुल्म किया। उसके बाद 25 मई को जो औरतें बच्चों के ऊपर इन्होंने वहां देख रहे हैं कि फैमिलीज आई हुई हैं, तहरीके इंसाफ की कैसे ये कह सकते हैं कि हम किसी भी इंतजार के अंदर हम मुलवस हों, क्योंकि जो पार्टी इलेक्शन चाहती है वो इंतजार क्यों चाहेगी? हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मसले इलेक्शन में, वो इंतजार क्यों चाहेगी? लेकिन हर जगह हमारे ऊपर उन्होंने हमें कोशिश की कि किसी तरह हम रिएक्ट करें, हमारे ऊपर टेयर गैसिंग है जो भी करें, ताकि ये कह सकेंगे तहरीक इंसाफ इंतजार फैला रही है ताकि और केसेस बनाएं और किसी तरह इलेक्शन ना हो मुल्क में, कि जी फिजा नहीं है, सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं है। तो हमारे पास तब से शुरू है, फिर उसके बाद हर जगह और बनते गए, केसेस बनते गए, मेरे ऊपर आज 144 केस बन चुके हैं, मेरे और अली अमीन के ऊपर, दोनों के ऊपर इन्होंने गद्दारी का केस बना दिया। मेरे ऊपर गद्दारी का केस यह है कि जनाब मैंने अपनी कई तकरीर में, और कोई एक मैजिस्ट्रेट कह रहा है कि मैं इतवार को ऑफिस था जब कोई होना नहीं चाहिए था, मैंने और मेरे स्टाफ ने देखा कि इमरान खान ने कोई ऐसी तौहीन कर दी है इदारे की, क्योंकि मैंने डर्टी हैरी का है और मैंने साइकोपैथ का है, इसके ऊपर मेरे ऊपर गद्दारी का पर्चा कर दिया। मैं आज जो ये कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि आपको पता है कि आप पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं इन चीजों से? सारी दुनिया में ये जब जाता है कि आपने डर्टी हैरी और साइकोपैथ उसने तकरीर में कहने की वजह से एक गद्दारी का पर्चा कर दिया जाए एक्स प्राइम मिनिस्टर पे, इसका पता है पाकिस्तान को नुकसान कितना है? क्योंकि दुनिया मजाक उड़ा रही है पाकिस्तान का, हमें बनाना रिपब्लिक समझ रही है।
144 पर्चे जिसमें 40 दहशतगर्दी के पर्चे मेरे ऊपर हैं। ये सारी दुनिया बाहर की चैनल्स सारी इंटरेस्ट है, ये सारी चीजों की रिपोर्टिंग होती है। तो किसका आज पाकिस्तान का क्या इमेज बाहर जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर बनाना रिपब्लिक है, यहां कोई कानून ही नहीं है, कोई बुनियादी हकूक की हिफाजत ही नहीं है, जमहूरियत ही नहीं है। और सारे हमारे एक वक्त पे 3,100 हमारे कारकुनों को पकड़ के जेलों में डाल दिया। एक तरफ इलेक्शन अनाउंस हुआ है, एक तरफ वर्कर्स को पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं। उसके बाद सोशल मीडिया के लोगों को उठा रहे हैं, अखवा कर रहे हैं, वो गायब हो जाते हैं। हमारा अजहर माशवानी गायब हो गया 7-8 दिनों के लिए, पता नहीं किधर गया। सारी फैमिली घर वाले मेरे से पूछ रहे हैं। पूरी तरह इस मुल्क को समझना चाहिए कि जब ये मिसिंग पर्सन होता है, ये जो बलूचिस्तान में रोते हैं लोग, ये जो कराची में लोग कहते हैं कि ये उठा के लेगा किसी को, उस घर के ऊपर क्या गुजरती है जब आप किसी को उठा के अगवा कर लेते हैं। और फिर आजम स्वाति से जब उसको टॉर्चर किया जाता है, उसको कस्टोडियल, पहले तो उसको बच्चों के सामने, उसके पोते और पोतियों के सामने मारते हैं आके 3 बजे घर में घुस के, फिर उसको उठा के ले जाके नंगा करके टॉर्चर करते हैं 75 साल के आदमी को। उसके अंदर इतना गुस्सा है आज, क्योंकि जब आप किसी से इस तरह जलील करते हैं, आइन का जो आर्टिकल 14 है जो राइट टू डिग्निटी देता है, हमें हमारी इज्जत नफ्स की हिफाजत करता है, जब आप उसको नंगा करके एक ट्वीट के ऊपर कि उसने बाजवा को कह दिया कि NRO2 आपने दिया, उसके ऊपर उसको नंगा करके उसको तशद्दद करो, सोचो कि उसका क्या इंपैक्ट गया हमारी पार्टी पे, क्या इंपैक्ट गया। और सबको पता है कौन इसके पीछे था, पुलिस नहीं थी, नामालूम अफराद ने यह किया, गिल से यही किया, शहबाज गिल को भी उठा के लेके गए, 2 दिन रखा, तशद्दद किया उसको, एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है उसको पकड़ के इन्होंने तशद्दद किया। किधर गए फंडामेंटल राइट्स, कोई पूछने वाला नहीं। खौफ है सारी जगह के, ओहो जी नामालूम ने उठा लिया, खौफ है इनका कि कोई, सब इनके सामने डरते हैं। सोशल मीडिया के बच्चों को पकड़ा, किसी को कभी कोई उठा ले, उनकी अजीब अजीब खबरें आए, पकड़ के वही नंगा करके उनको जलील करके उनको फिर घर वापस दे कि आपने कुछ नहीं कहना, आपने किसी की तनकीद नहीं करनी, कोई यहां एक ऐसे अनटचेबल्स है उनका नाम ही नहीं आपने लेना। यानी ये कोई मुशर्रफ के मार्शल लॉ के अंदर हमने कभी इस तरह की सख्ती नहीं देखी। मैंने कभी इस तरह, मैं ऑपोजिशन में था, कभी मैंने इस तरह का जुल्म नहीं देखा जो हमारे ऊपर हुआ और होता जा रहा है, रुकता नहीं है। हमारे जो लोगों को उठाते हैं वो सब बताते हैं, उनको पकड़ के ले जाते हैं, रोजे के रोजों में उन्होंने उठाया ना, उनको रोजा खोलने दिया, गंदा पानी दें, फिर कोई नामालूम अफराद आ जाए उनसे पकड़ के लोगों को, उनको फेंटा लगाया उनको। और पुलिस का मैं ये कह दूं कि ज्यादातर पुलिस हमारे साथ सिंपथेटिक थी। लेकिन मैं अब अपने घर का बताना चाहता हूं कि मेरे घर के ऊपर जो यहां अटैक हुआ, देखें पहले आप समझ जाएं कि वो हुआ था, इशू था क्या, वो वारंट किस चीज की थी। वारंट ये थी कि एक मैजिस्ट्रेट के कोर्ट ने कहा कि इमरान खान को वहां एक केस के अंदर अपनी हाजिरी देनी है बेल के लिए। मैं क्यों नहीं जा सका, पहले मुझे गोली लगी हुई थी, 3.5 महीने में मेरी टांग ठीक नहीं थी, ट्रैवल नहीं कर सका। उसके बाद मैंने सारी अदालतों में, हाई कोर्ट, इस्लामाबाद जाना शुरू किया। उस अदालत में इसलिए नहीं जा सका क्योंकि वो कचहरी में, एफएट कचहरी में जिधर वो अदालत है, उधर 2 दफा दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, जजेस और वकील वहां मर चुके हैं उसमें। इसलिए हमारी सिक्योरिटी, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है मुझे सिक्योरिटी देना, ये दे नहीं रहे। इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर की भी सिक्योरिटी थी, एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो भी हटा ली है, और उस जगह के ऊपर सिक्योरिटी थी नहीं। तो उनसे वकीलों ने दरखास्त किया मैजिस्ट्रेट को कि वो आप दूसरे अदालत में चले जाएं तो हम आ जाएंगे। उसके ऊपर उसने मेरी वारंट निकाल दी, वारंट गई, वारंट निकली थी बनीगाला के लिए, लेके आना थी, और इंस्पेक्टर ने वारंट लेके आना था। वो DIG वो बनीगाला की वारंट लेके यहां जाता है, उसका प्रोसीजर ही बिल्कुल गलत है। पहले तो वारंट ये थी कि अदालत में आना था 18 को, वो मैं वैसे ही जा रहा था अदालत में, लेकिन वो वारंट ये 3-4 दिन पहले आ गए यहां कि जी अब आपको हमने अरेस्ट करना है, बिल्कुल गलत था, गैर कानूनी था। उसके बाद उन्होंने जब यहां पुलिस फौज जमा कर दी, जिस तरह के दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द यहां छुपा हुआ है 3 तरफ से पुलिस, तो शाम को मैंने वकील के जरिए इश्तियाक खान, जो प्रेसिडेंट है लाहौर हाई कोर्ट का, उसने श्योरिटी, मैंने श्योरिटी बॉन्ड दिया कि मैं पहुंच रहा हूं वहां
18 को, और जब वो श्योरिटी बॉन्ड मिल जाए कानून के मुताबिक अरेस्ट नहीं कर सकते। वो सीसीपीओ वो लेता ही नहीं है बॉन्ड, क्योंकि नियत कुछ और थी। नियत क्या थी जरा मैं आप सबको बता दूं, नियत इनकी ये थी कि दो किस्म के इनके सामने मॉडल थे जो मेरे ऊपर आजमाए। पहले था सलमान तासीर का कत्ल, वो दीनी इंतहा पसंद है जो वजीराबाद जिसके नाम पर इन्होंने ये प्लान करके किया हुआ था। पहले उन्होंने एक कैंपेन चलाई कि इमरान ने तौहीन मजहब कर दी है। मैंने तब पब्लिक में कहा कि ये अब सलमान तासीर टाइप कत्ल कराएंगे मेरा दीनी इंतहा पसंद से, और वही हुआ। वो उसने मेरे पे वारदात की वजीराबाद में। उसके बाद कवर अप किया गया, पहले तो मेरी एफआईआर नहीं रजिस्टर की, मुझे पता था वो कौन तीन लोग हैं जो पीछे थे, क्योंकि मैं तो पहले से कह रहा था कि ये मेरे ऊपर वारदात होनी है। उसके बाद जब वारदात होगी, इन्होंने सेबोटाज किया जेआईटी की, क्योंकि अगर वो फाइंडिंग सामने आ जाती तो पता चल गया था तीन शूटर हैं, एक था ही नहीं, तो वो दीनी इंतहा पसंद का जो इन्होंने बोगी बनाई थी वो तो खत्म हो गई थी। तो इन्होंने वो सेबोटाज की। कौन थे पीछे? वो ताकतवर जो सारे पाकिस्तान में, वो ताकतवर जो फैसला करता वही होता है, वो पीछे थे। उसके बाद अगला प्लान बनता है ये जो मेरे घर पे, ये अटैक, ये दूसरा मॉडल था मुर्तजा भुट्टो टाइप का था, कि इन्होंने अटैक करना था यहां हो रहा है, और उसी के अंदर जनाब इमरान खान को कत्ल हो गया। तो वो मुर्तजा भुट्टो का मॉडल था। यहां पहले किया, सारी रात अटैक करते रहे, इतनी पुलिस रेंजर्स जिस तरह का उन्होंने किया, सब गैर कानूनी था। मकसद कुछ और था, मकसद या कत्ल करने का था, या फिर उठा के जेल के अंदर कोई जहर दे देनी थी, जो कि इनका वो जिस तरह चार वो मरे हैं हार्ट अटैक से शहबाज शरीफ के गवाही, वो दूसरा वो मॉडल था। उसके बाद मैं जाता हूं इस्लामाबाद, उधर दूसरा प्लान, फिर मुर्तजा भुट्टो प्लान बना हुआ था। अंदर पहले इन्होंने मुझे अकेला करना था, अंदर जाना था, वहां रेंजर्स पुलिस भरे हुए थे नामालूम अफराद। तो वो तो शुक्र है हमारे अंदर जो वकील थे उनको भी मारा, शिबली फराज को मारा वहां, और उसने जल्दी से उन्होंने आके बताया कि यहां ना हो, यहां तो ट्रैप है, डेथ ट्रैप है, वो अल्लाह ने वहां से बचाया। तो ये सारा प्लान बना हुआ था इमरान खान को रास्ते से हटाना। वो क्यों? क्योंकि 37 में से 30 बार इलेक्शन हम जीत चुके थे, पाकिस्तानी कौम हमारे साथ खड़ी हो गई थी, डर इनको इलेक्शन से लग चुका था, इलेक्शन से ये भाग रहे थे। और उस इलेक्शन से भागने के लिए इनको डर यह था कि अगर इसको जेल में भी डालते हैं तो उसकी पॉपुलैरिटी ऊपर चली जाएगी, लिहाजा इसको कत्ल करो, रास्ते से हटाओ। तो ये जो 140-144 केसेस है, ये सारा उसी की कड़ी है। फिर इसी दौर में मीडिया का क्या, यानी जो बुनियादी हकूक तो तबाह कर दिए उन्होंने, जो अभी अली अमीन को पकड़ा, अब अली अमीन को किस तरह पकड़ा? उसको पुलिस, उसका जो डीपीओ पकड़ने आया, उसने स्टेटमेंट दी कि जो भी हो जाए मैंने इसको पकड़ के लेके जाना है, अदालत भी ना उसे जाने थे। यानी ऐसा कि टारगेट करके जो मेन लोग हैं इमरान खान के साथ, उनको पकड़ के जेलों में डालना है, अगर इमरान खान नहीं तो मेन लोगों को जेलों में डालो। अच्छा, उसके बाद मईशत। अब जरा मईशत क्या थी, मैंने शुरू में आपको बताया कि इकॉनमी ग्रो कर रही थी, इंडस्ट्री 17 साल में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 10% की रेट पर ग्रो कर रही थी, 10% पे, जो कि बड़ी इंडस्ट्री होती है जिससे सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। 3 साल में 55 लाख लोगों को मजीद रोजगार मिला, यह भी वर्ल्ड बैंक ही है। और हमारा जो जरात है वो 4.5% पर ग्रो कर रही थी, 2 साल मुसलसल बंपर क्रॉप्स हुई। क्यों? क्योंकि हमने पैसा, गन्ना का जो फसल थी उसका पूरा पैसा देने दिया, हमने शुगर मिल माफिया को जो बेचारे किसान को के ऊपर जुल्म करते हैं, उसके उसके हक मारते हैं, हमने उनको टाइम पे पैसे दिलवाए, पूरी कीमत दिलवाए, उन्होंने पैसा अपनी जमीनों पे लगाया। तो सबसे ज्यादा पैसा ज़राअत में गया हमारे दौर, और उसकी वजह से उन्होंने हमारी फसलें भी जबरदस्त हुई, ज़राअत भी बढ़ रही थी, इंडस्ट्री भी बढ़ रही थी, आईटी की एक्सपोर्ट्स जो मुस्तकबल है 75% 2 सालों में बढ़ी। तो मुल्क तो सही रास्ते पर जा रहा था, रिकॉर्ड हमारी टैक्स कलेक्शन हो रही थी। अब क्या हालात हैं मईशत के? 6% से वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 0.4% पे ग्रोथ रेट नीचे चली गई। इससे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 40 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। महंगाई जिसके ऊपर सारा शोर मचा हुआ था हमारे दौर में, याद रखें कि हमारे दौर में जो महंगाई की असल वजह थी वो तेल थी। तेल हमारे दौर में 110 से 115 डॉलर बैरल पे क्या था, ये नीचे आके 65 डॉलर से आप कोई 80 डॉलर के बीच में है। तो
उस दौर के अंदर हमारी महंगाई थी जो इन्फ्लेशन थी वो 12% थी, इनके दौर में वो पहुंच गई तकरीबन 35%, और जो खाने पीने की चीजें हैं वो एक साल में 50% बढ़ी हैं। आप जो सबसे जो चीज आम आदमी को सबसे अफेक्ट करती है वो है आटा। आटे का 20 किलो का बैग अगर आज आप देखें, और हमारे मुकाबले में हमारा था 1140 रुपए का, आज वो बैग पहुंच गया है 2800 रुपए का। तो जो आम आदमी है, जो आप आटे की लाइनें देख रही हैं और लोग देख रहे हैं और बेचारे आटा लेते हुए जो 20 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, जो बुनियादी चीज है, पहले बेरोजगारी भी बढ़ गई, वैसे खाने पीने की चीजें 50% बढ़ गई, और उसके ऊपर आटा जो बुनियादी चीज है उसकी कीमत दुगनी से ज्यादा हो गई। उसका मतलब यह कि लोगों के इस वक्त सबसे बुरे हालात हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है क्योंकि रुक तो नहीं रही। रुपया 100 रुपए से ज्यादा डॉलर महंगा हो चुका है, रुपया 100 रुपया गिर चुका है। और फिर से मैं याद करा दूंगा जो बाहर बैठे हुए हैं, जो लंदन में बैठे हुए हैं, जिनकी अरबों रुपए की, अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज हैं, जिनके डॉलर में पैसे हैं उनमें इजाफा हो गया 100 रुपया, और जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो आम आदमी जिनके आपके रुपयों में पैसे हैं वो डॉलर्स डॉलर के मुकाबले में 100 रुपया कम हो गया। आपकी अगर आप ये समझे ना कि 100 रुपया आपके पास बैंक में पड़ा हुआ था तो सिर्फ 65 रुपया उसकी खरीदार की कीमत रह गई है। एक्सपोर्ट्स 10% गिर गई हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स आखिरी 2-3 सालों में बढ़ती जा रही थी, अब बजाय बढ़ने के एक्सपोर्ट्स 10% कम हो गई है। इसका मतलब कि हमें और ज्यादा मसला डॉलर्स का आने वाला है, क्योंकि हम अब कर्जे तो ले रहे हैं लेकिन कर्जे वापस करने के लिए जो हमारे पास दौलत में इजाफा होना चाहिए, यानी एक्सपोर्ट्स में इजाफा और रेमिटेंसेज में, वो बजाय बढ़ने के वो या रुक गया या कम हो गया। तो डॉलर तो कम आ रहे हैं और कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। और इंडस्ट्री जो सबसे खतरनाक है पाकिस्तान में, कि आपकी दौलत में इजाफा इंडस्ट्रियलाइजेशन से होता है। जो हमारी इंडस्ट्री बढ़ती जा रही थी, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10% बढ़ रही थी, वो आज 50% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। और जो आज इंडस्ट्री का हाल है इसका अब डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है, जिस तरह मैंने कहा हमारे दौर में, ये सिर्फ साल पहले फैसलाबाद में पूछे उनको टेक्सटाइल इंडस्ट्री का स्किल्ड वर्कर नहीं मिल रहा था, मजदूर नहीं मिल रहा था, और आज आप देख लें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हालात क्या है। अच्छा जी, फिर अब आखिर में मैं पहुंच रहा हूं कि एक साल के अंदर मायशत भी बैठ गई, मीडिया भी बंद कर दिया, हमारे जो बुनियादी हकूक हैं उनकी भी तबाही कर दी, हमारी जो टेररिज्म है पाकिस्तान में, जो टूरिज्म की तरफ चले गए थे, बाहर की ब्रिटिश एयरवेज, बाहर की एयरलाइन, वर्जन अटलांटिक एयरलाइंस आनी शुरू हो गई थी पाकिस्तान में, क्रिकेट टीम्स आनी शुरू हो गई थी, वो आज फिर दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अमन था तो ये सब आ रहे थे, तो इन्होंने इनके दौर में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। अब आखिर में मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अब पाकिस्तान किधर जा रहा है? सारी कौम को हमें अब सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क जा किधर रहा है। सारे इदारे हमारे गए, पार्लियामेंट हमारी गई, जिस तरह फिर से देखें मुल्क चलता है इदारों के ऊपर, पार्लियामेंट एक इदारा है, पार्लियामेंट की आज हैसियत खत्म हो गई है। आज पार्लियामेंट के अंदर कोरम ही पूरा नहीं होता, तो इसको कोई शौक ही नहीं है पार्लियामेंट में, इसका मकसद ही खत्म हो गया जब ऑपोजिशन खत्म हो गई। लेकिन जो गवर्नेंस के इदारे हैं वो गए हैं, जब आपकी इलेक्शन कमीशन के ऊपर इत्माद उठ जाए, जब नैब खत्म हो जाए, जब FIA खत्म हो जाए, जिसने इन्वेस्टिगेट करना करप्शन उनको सिर्फ इस्तेमाल करो विक्टिमाइजेशन के लिए, केयरटेकर गवर्नमेंट, अब केयरटेकर गवर्नमेंट भी एक इदारा है, वो केयरटेकर गवर्नमेंट्स बनी इसलिए थी कि ये न्यूट्रल होंगी, ताकि न्यूट्रल गवर्नमेंट न्यूट्रल अंपायर बनेंगी इलेक्शन करवाने के लिए, ये इसलिए बनी थी। ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट बनी है, कोई तस्वर कर सकता है इस तरह के लोगों को कोई न्यूट्रल कह सकता है? 3100 कारकुनों को पकड़ के जेल में डाल दें, मेरे घर पे हमला कर दें, मैं जाता हूं इस्लामाबाद पीछे, मेरी बीवी अकेली घर पे, वो पूरा दावा बोल देते हैं, मारते हैं उनको, नौकरों को मारते हैं, खनसामे को ले जाते हैं। अच्छा, खनसामे से सवाल क्या पूछते हैं ये नामालूम अफराद, ये भी सुन लें कि जी इमरान खान के जो घर पे जो कमरे में इसके शीशे लगे हुए हैं, उस खनसामे से पूछ रहे हैं क्या वो बॉम्ब प्रूफ है या बुलेट प्रूफ है?
फिर उससे पूछ रहे हैं कि जनाब कितना रास्ता है किचन से इमरान खान के बेडरूम की तरफ, ये खानसामे से सवाल पूछ रहे हैं। वो और है कि वो खाता क्या है ताकि वो जहर देने के लिए पता चल जाए खाता क्या है। ये हमारे मुल्क के हालात हैं। वो बेचारे खानसामे को मार मार के वहां पहले ले जाते हैं, अब ये सवाल पूछ रहे हैं उससे, और उसको उस बेचारे गरीब आदमी को फिर अपना एसेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आगे से जासूसी करेंगे। पहले भी मेरे जो इस्लामाबाद के जो दो, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, वो दोनों मेरे जो नौकर थे, मेरे जो घर में काम करते थे, उन दोनों को पेरोल्स पे रख लिया नामालूम अफराद ने। उनसे भी ये पूछता है खाना क्या खाता है। ये सोचे ये मुल्क के हालात है कि क्या अगर मारने की आपने कोशिश कर रही है तो कोई अकल से कर लें, कोई किसी थोड़ी सी अकल ही इस्तेमाल कर लें। इस तरह भौंडे तरीके से खुलेआम कभी ये वो पूरा घर पे दावा बोल देते हैं, वहां उधर कर देते हैं, या फिर जहर की, अच्छा जी खाना क्या खा रहा है, और फिर घर का जी बुलेट प्रूफ है या बम प्रूफ है उसका कमरा। तो मैं आज आखिर में ये पूछना चाहता हूं कि हम जा किधर हैं। इदारे जब एक मुल्क के खत्म हो जाते हैं, मुल्क खत्म हो जाता है। मुल्क चलता है इदारों के ऊपर, आपकी आपकी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, आपका जुडिशियल सिस्टम के ऊपर, वो इदारे जो गवर्नेंस के इदारे हैं, पुलिस का इदारा है, पुलिस से ये काम करवाए जा रहे हैं। अच्छा पुलिस हमें खुद आप आके कहती है जी ये बड़ा गलत कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हमें पीछे से हुक्म है। अब ये पीछे से नामालूम अफराद बैठे हुए हैं, वो पीछे से इनसे काम करवा रहे हैं। पुलिस वाले अब कहते हैं, वो जब हमारे लोग जेल में गए उन्होंने कहा जी पुलिस नहीं करती थी, वो बाद में नामालूम अफराद आते थे शलवार कमीज में, वो आके इनके ऊपर तशद्दुद करते थे। ये है आज पाकिस्तान का हाल। और किसको ये ऊपर रख रहे हैं? इस मुल्क के नामवर डाकुओं को, जिनकी सारे प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हैं, जिनका पैसा बाहर पड़ा है, 30 साल से मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर पैसा लेके जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए मुल्क के इदारे भी खत्म किए जा रहे हैं, सारे इंसानों के बुनियादी हुकूक खत्म किए जा रहे हैं, सारे इदारों पर प्रेशर डाल रहे हैं कि किसी तरह हम इनको कबूल कर लें, और क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को। ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज क्रश नहीं होती। मैं ये आज सारों को पैगाम दे रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ हम मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फातिमा जिना का जब इलेक्शन हुआ अयूब खान से, तो ये हरबे इस्तेमाल किए गए उसको हराने के लिए। उसका क्या हुआ नुकसान? उधर से शुरू हुआ ईस्ट पाकिस्तान की इलाहदगी। मुजीबुर रहमान इनके साथ थे, फातिमा जिना के साथ। ईस्ट पाकिस्तान ने फातिमा जिना को वोट दिया था, यहां हरबे इस्तेमाल करके उसको हराया गया। क्या नतीजा हुआ उसका? मुल्क टूट गया, क्योंकि वही मुजीबुर रहमान आखिर में इलेक्शन स्वीप कर गया, क्योंकि उन्होंने कहा यहां तो जमहूरियत ही नहीं है, यहां तो हमारी आवाज ही नहीं है। और जब वो इलेक्शन जीत गया, इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो जीत गया, 1970 का इलेक्शन सब समझते हैं फ्री एंड फेयर। वो जब जीत गया उसकी मैंडेटरी मांगना, मुल्क टूट गया। अब वही हरबे फिर इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जो सबसे बड़ी जमात है उसके डर से कि वो इलेक्शन ना जीत जाए, सारे पाकिस्तान का निजाम का बिड़ा गर्क कर रहे हैं, हर वो इदारा खत्म कर रहे हैं कि किसी तरह उनको जता दे चोरों को, इनको किसी तरह या इलेक्शन हो ना या ये जीते ना। ये जो अब सुप्रीम कोर्ट से हो रहा है, मैं सवाल ये पूछता हूं कि मैंने आईन देख के, वकीलों को कंसल्ट करके, आईन के मुताबिक मैंने अपनी गवर्नमेंट जब डिसॉल्व की, और इसलिए कि हम काम नहीं कर सकते थे, और हम ये समझते थे कि इलेक्शन एक ही रास्ता है, और अभी मैं समझता हूं कि इलेक्शन के बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व करते हैं, उधर से पता चलता है जी वो और इशू उठ जाता है कि जी वो 100 मोटो या नहीं 100 मोटो। भी 100 मोटो में तो हमारी गवर्नमेंट गई थी एक साल पहले, 100 मोटो में तो गई थी, यही जजेस थे तब, वो ठीक था। अब वो 100 मोटो लेते तो आप कहते जी वो बजाय ये फैसला करें जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए नहीं, क्या आइन क्या कहता है? तो आइन तो वाज है, बजाय उसके ऊपर बात करने के कभी कोई जी आपस में जजेस को तकसीम करवा दो, उनकी आपस में इंतजार करवा दो, मुल्क का बेड़ागार करवा दो, किसी तरह इलेक्शन ना हो। वो बाहर बैठा हुआ जो है, और ये जरदारिया, मैं बताऊं इनका पाकिस्तान में इंटरेस्ट क्या? मैं फिर से पूछता हूं, छुट्टियां बाहर, जब इनको जब इख्तदार से निकलते हैं फिर बाहर भाग जाते हैं, बड़े बड़े महलों में वहां रह रहे हैं, शॉपिंग बाहर है, सर्जरीज बाहर है, सब कुछ बाहर है, बिजनेसेस बाहर हैं, इसके बच्चे दो बाहर कहते हैं पाकिस्तान नेशनल ही नहीं है। 3 दफा प्राइम मिनिस्टर के बेटे कहते हैं पाकिस्तान नेशनल इसलिए नहीं है, ये जवाब ही नहीं दे सकते कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज किधर से आई इनके पास। और वो बैठ के फैसले कर रहे हैं पाकिस्तान पे, और वो फैसला कर रहे हैं लंदन प्लान के तहत कि क्योंकि मैं इलेक्शन नहीं जीत सकता इसलिए इलेक्शन ना करवाओ और पीटीआई को क्रश करो।
और वो कह रहे हैं कि मैं ये जो मेरी एग्रीमेंट है वह पूरी करो, और उसमें ये चल रहा है, मुल्क का बिड़ा गर्क हो रहा है, इकोनॉमी बैठ रही, कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क की मायशत तबाह हो रही है ना। पाकिस्तान 80% पाकिस्तान का बिजनेसमैन कहता है कि हम इस गवर्नमेंट पर इतमाद ही नहीं है, लेकिन फिर उनको बिठाया हुआ नहीं जी, वो तो अभी अक्टूबर में नहीं, इलेक्शन और आगे जाना है, जब तक ये जीतेंगे नहीं, जब तक गलत फहमी ये है कि कहीं ये लोग थोड़ी देर के बाद शायद इनको अच्छा समझना शुरू हो जाए, वो कैसे अच्छा समझेंगे, कौन सी चीज करेंगे कि मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे, इनके पास तो रास्ता ही कोई नहीं। आप और इनके लिए मुल्क के आइन को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है, अदलिया को भी तकसीम करने की, इदारे भी खत्म, फंडामेंटल राइट्स भी खत्म, हमारे ऊपर भी 144 केसेस। और फिर से मैं कहता हूं कि मुल्क का मजाक उड़ा है सारी दुनिया में, सारी दुनिया में पाकिस्तान। अब क्या मुझे यह बताएं, जब यह कहे गए, गवर्नमेंट कहेगी कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते, तो किस इन्वेस्टर ने पाकिस्तान में आना है? जब आप एक इन्वेस्टर को जब पाकिस्तान की जस्टिस सिस्टम में इत्माद ही नहीं है, वो कौन अपना पैसा लेके आएगा पाकिस्तान में? पाकिस्तानी अपना पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, वो जाके बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और फिर जिस मुल्क के अंदर अगर ये चीजें वो सुने कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को गद्दारी में इसलिए उसके ऊपर केस कर दिया क्योंकि उसने डर्टी हैरी और वो साइकोपैथ लिख दिया है, दुनिया मजाक उड़ाएगी। इसको बनाना रिपब्लिक कहते हैं, बनाना रिपब्लिक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं आती, बनाना रिपब्लिक्स में से सारे उनके लोग पैसे चोरी करके बाहर भेज देते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, वहां सारी जगह शरीफ और जरदारी बैठे हुए हैं। इसलिए मैं आज आखिर में यह बात कहता हूं कि जो मुल्क हमारा एक साल में जहां आज पहुंचा है, कोई सवाल पूछेगा उस आदमी से जिसने कहा जी इमरान खान बड़ा खतरनाक है इसलिए मैंने फैसला किया, और इसलिए उसने फैसला नहीं किया, उसने फैसला और वजह आज से किया था, वो एक्सटेंशन उसकी उसका बहुत बड़ा वजह थी, वो अपनी एक्सटेंशन चाहता था, शहबाज शरीफ ने उसे श्योरिटी दी हुई थी, वो और बात है कि नवाज शरीफ बढ़ गया, प्लान सारा एक्सटेंशन का था, ये सारा ड्रामा उसके लिए हुआ, जात के लिए हुआ है, ये मुल्क को आज पहुंचाया सिर्फ अपने जाति मफादात के लिए, और पूरी साजिश उसके लिए की गई थी। तो आज कोई पूछेगा उसको कि जिधर आज पाकिस्तान है, 9 लाख लोग हमारे प्रोफेशनल मुल्क छोड़ के चले गए हैं ये पिछले चंद महीने में, उम्मीद चली गई है पाकिस्तान से, शौकत हानम से 4 हमारे कंसल्टेंट्स छोड़ गए हैं। याद रखें कि जो कैंसर के डॉक्टर्स होते हैं दुनिया में उनकी डिमांड होती है, बड़ी मुश्किल से हम उनको लेके आते हैं पाकिस्तान, क्योंकि एक कहीं मामूली सा भी जो ऑन्कोलॉजिस्ट होता है कैंसर का डॉक्टर, उसकी मामूली से कभी वो तनख्वाह होती है जो हम पाकिस्तान में नहीं दे सकते, तो मुश्किल से उनको लेके आए। तो ये जो हालात देख के 4 हमारे डॉक्टर्स छोड़ के चले गए, मायूस हो गए हैं, तो क्या कोई इसको जिम्मेदार ठहराएगा कि तकब्बुर के अंदर फिरौन बना हुआ कि मैंने फैसला किया जी मुल्क की बेहतरी क्या है, और उसके लिए आज जो हमारे हालात हैं, कोई इसको कोई इदारा जिम्मेदार ठहराएगा? क्या ये कानून से ऊपर है? इनको कोई पूछ नहीं सकता। हमूदुर्रहमान रिपोर्ट 25 साल के बाद जो मुल्क टूट गया था हिंदुस्तान में छपी थी, पाकिस्तान नहीं आई थी, क्योंकि वो ये समझते ही नहीं है कि जब तक एक माशरे में तनकीद नहीं होती माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। जो सारी डिक्टेटरशिप्स दुनिया में फेल हुई हैं उनकी सबसे बड़ी वजह है कि डिक्टेटरशिप्स के अंदर तनकीद नहीं होती, जब तनकीद नहीं होती माशरा सुकड़ जाता है। ये जो जमहूरियत की खूबी है ये कि वो तनकीद होती है और तनकीद से अपनी सलाहत करता है माशरा। यहां जब तक हम ये समझेंगे कि जी वो एक सुपर किंग था, वो जो मर्जी फैसला करे, जिम्मेदार किसी और को ठहराओ और वो आराम से किसी बाहर वाले मुल्क में अच्छी हवाएं लेता फिरे, कभी भी मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और आज खास तौर पे पाकिस्तान की इस बुरे वक्त में जो सबसे खुशाइन चीज वो ये कि पहली दफा मैंने एक साल में जो चीज चेंज देखा है कि हमारी आवाम जाग गई है, एक शऊर आ गया है। हमारा नौजवान सोशल मीडिया की वजह से और ये एक साल की कैंपेन में वो नौजवान एक एक इशू समझ गया, बच्चे समझ गए इशूज, स्कूल के बच्चे, वो शऊर है जो कभी पहले बड़ों में नहीं था। और उससे भी बड़ी चीज कि हमारी ख्वातीन घरों के अंदर इंकलाब आ गया। मैं समझता हूं कि ये सबसे खुशाइन चीज है जब एक कौम जाग जाती है और जब उसको समझ आ जाती है हकीकी आजादी क्या है। हकीकी आजादी इंसाफ से आती है, जब एक माशरे में आपके बुनियादी हकूक की हिफाजत करता है आपके अदालतों का निजाम, वो लोग आजाद हो जाते हैं, वो उसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं।
वो माशरी तरक्की करते हैं। तो इस वक्त लोग सब समझ बैठे हैं कि हमें आजादी चाहिए, हम बुनियादी हकूक चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें ये जो क्लास है कानून के ऊपर बैठी हुई, हम इसको तस्लीम नहीं करते। ये जो छोटे से लोग हैं जो मुल्क के फैसले करते हैं, चोरी करें तो एनआरओ मिल जाता है, कानून तोड़े तो अपनी एफआईआर, एक्स प्राइम मिनिस्टर एफआईआर नहीं दर्ज करवा सकता क्योंकि वो खास से कोई आदमी था जिसने जो मर्जी करे तो उसको हमारा कानून का निजाम नहीं पकड़ सकता। यह है जुल्म पाकिस्तान का, और यह जब तक चेंज नहीं होगा मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जब तक हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं लेके आते, एक साल का हमारा तजर्बा यह हमें बताता है कि रूल ऑफ लॉ जिस माशरे में नहीं है उसमें तबाही है। और एक साल में जो कत्ल हुआ है वो रूल ऑफ लॉ कत्ल हुआ है। इन चोरों को ऊपर बिठाने के लिए इस मुल्क के ऊपर जो जुल्म हुआ है वो ये हुआ है कि इनके लिए एक और कानून बन गया है, इनकी सारी चोरियां माफ हो गई हैं, वो एक खातून फिरी जाती है वो खुलेआम अदलिया को बुरा भला कह रही है, जजेस को बुरा भला कह रही है, वो कोई नहीं पकड़ सकता उसको क्योंकि वो उसको उस कैटेगरी में रख दिया है, वो कानून से ऊपर है। वो चोरी भी करें आज तक नहीं बता सके कि लंदन में अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज किधर से आई हैं, वो नहीं बता रहे। वो सिर्फ ये कह रहे हैं किसी की जरूरत कैसे पड़ी कि हमें सवाल भी पूछ लिया। वो ये ऊपर ये खास लोग हैं, बाकी लोगों के पास हुकूक ही नहीं है। और जब मर्जी जेल में पकड़ो, रात को उठा लो, घरों में घुस जाओ, 3 बजे उठा लो। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर घर 26 घंटे हमला किया गैर कानूनी तौर पर, सिर्फ उसको या उसे कत्ल करना था और या पकड़ के जेल में डालना था, और कोई कानूनी हैसियत नहीं थी उसकी। आप तमाशा देख रहे हैं, सारी दुनिया तमाशा देख रही है। तो हमारी जो जंग है हकीकी आजादी की है, और मैं समझता हूं कि क्योंकि कौम जाग चुकी है, ये जो भी करेंगे अदलिया के ऊपर हमले करेंगे, कौम अदलिया के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की वुकला कम्युनिटी को खड़ा होना पड़ेगा अदलिया के साथ, क्योंकि अगर आइन गया तो कौम खत्म। और दूसरी चीज कि ये जो कर रहे हैं हमारे जो लोगों को पकड़े, अली मीन को जो पकड़ा है, जो केसेस कर रहे हैं, लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं कि मेरी कौम तैयार हो जाए कि अगर इनका ख्याल है कि हम चुप करके एक या तो उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने, तब भी हमें सड़कों पर निकलना पड़ेगा, और अगर इन्होंने और पुरअमन तरीके से, और अगर इन्होंने इलेक्शन करवाए और ये सबको अंदर बंद कर दिया, सारों को जेलों में डाल दिया, कारकुनों को जेलों में डाल दिया, कैंडिडेट्स को हरासा किया ताकि हमारे हाथ बांध के अगर हम इलेक्शन लड़ें, और इनका ख्याल है कि हम चुप करके बैठे रहेंगे, फिर हमें सड़कों पर निकलना पड़ेगा। और मैं अपनी कौम को यह कहना चाहता हूं, हम हर चीज के लिए तैयार होना चाहिए। और हम अगले दिनों में हम देखेंगे किस तरह जा रहा है। अगर हमने देखा कि ये इसी तरह ही या इलेक्शन से भाग रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन से तो भाग रहे हैं, अगर इन्होंने भागने की कोशिश की अदलिया को तकसीम करके, और या फिर इन्होंने हमारे ऊपर इसी तरह के हरबे इस्तेमाल किए, हम सब सड़कों पर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।